दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट एडवोकेट अमित गुप्ता। जैसे मेरी हर वेब सीरीज में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ सिक्योरिटीज लॉ को, उसके लेटेस्ट सर्कुलर को, उसकी इंटरप्रिटेशन को, उसके बारे में जनरल अवेयरनेस। पिछले वेब सीरीज में मैंने कवर किया था सेबी का, जो एक ऐतिहासिक सर्कुलर था, बड़ा महत्वपूर्ण सर्कुलर जो सेबी ने इशू करा 28th of September 2020, जिसको मैंने डिस्प्ले भी किया था, जिसका नंबर है 186 CBHOMIRSDDPIEA/CIR/P/2030186। ये सेबी ने एक ऐतिहासिक सर्कुलर निकाला है जिसमें वो कहता है रिकवरी ऑफ एसेट्स ऑफ डिफॉल्टर मेंबर्स एंड रिकवरी ऑफ फंड्स फ्रॉम डेबिट बैलेंस क्लाइंट्स ऑफ डिफॉल्टर मेंबर फॉर मीटिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ क्लाइंट्स स्टॉक एक्सचेंज या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। हर वेब सीरीज में मैं सेबी को कहता हूँ कि सेबी हर इन्वेस्टर की ताकत है, बिकॉज द प्राइम मोटिव ऑफ सेबी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड टू डेवलप द कैपिटल मार्केट और द सिक्योरिटीज मार्केट। पैराग्राफ नंबर लास्ट जो इसका है, पिछली वेब सीरीज में मैंने पैराग्राफ नंबर 7 को बताया था कि किस लॉ के अंदर सेबी ने इस सर्कुलर को पब्लिश किया, प्रोमुलगेट किया और प्रोनाउंस किया। आज मैं पैराग्राफ नंबर 4 पढ़ना चाहूंगा उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका पैसा डिफॉल्टर ब्रोकर्स की वजह से फंस गया। तो एक पॉजिटिव अप्रोच सेबी ने ली है ताकि अब जो स्टॉक ब्रोकर्स के डिफॉल्टर क्लाइंट्स हैं उनसे भी रिकवरी करके इनोसेंट गलीबल इन्वेस्टर्स को पेमेंट कर दी जाए। पैराग्राफ नंबर 4 मैं पढ़ के आपको एक बार सुनाता हूँ, जस्ट हैव अ ग्लांस। इन द केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ TM या क्लियरिंग मेंबर, इट हैज बीन नोटेड दैट इन सर्टेन केसेस देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स स्लैश सिक्योरिटीज विद डिफॉल्टर मेंबर टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ क्लाइंट्स। द बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस प्रोवाइड फॉर द प्रोसीजर फॉर डिक्लेयरिंग अ मेंबर एज डिफॉल्टर व्हेन अमंग्स अदर रीजंस द मेंबर इज नॉट एबल टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ व्हेन एवर मेंबर इज डिक्लेयर्ड एज अ डिफॉल्टर एंड देर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स स्लैश सिक्योरिटीज विद द डिफॉल्टर मेंबर। नाउ दिस सर्कुलर गिव्स पावर टू द स्टॉक एक्सचेंजेस टू लिक्विडेट द असेट्स ऑफ अ क्लाइंट्स हु हैड मेड अ डिफॉल्ट इन द ब्रोकर्स बुक। देयरफॉर आई कॉल इट दिस सर्कुलर एज अ ऐतिहासिक सर्कुलर सो डैट ऑल द गलीबल इन्वेस्टर कैन एबल टू गेट देयर मनी रिकवर्ड वाया द चैनल ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस और थ्रू सेबी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, इनकेस कोई क्लैरिफिकेशन इस सर्कुलर के बारे में चाहिए हो तो मेरा नंबर आपके पास है ही। बाकी नए श्रोताओं और दर्शकों के लिए मैं अपना नंबर बताना चाहूँगा 9810440459। आपका दोस्त और होस्ट एडवोकेट अमित गुप्ता, नमस्कार।